देखो, हमारे जैसे नॉर्थ इंडियन मिडिल क्लास सिनेमा प्रेमी लोगों के जीवन में फिल्में देखने के कई फेज़ आते हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है उस ज़माने में, 90s की फिल्में जब देख देख के हम लोग बड़े हो रहे होते हैं, तब लगता था कि दुनिया इसके बाहर कुछ है ही नहीं, क्योंकि टीवी पर वही फिल्में आती थी और ये नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार या अमेज़न प्राइम जैसी कोई चीज़ें हुआ नहीं करती थी। उसके बाद जब हम लोगों को हॉलीवुड मूवीज़ के दर्शन हुए, तो हॉलीवुड की हिंदी डब फिल्में देखना शुरू किया, तो लगा कि यार ये तो क्या ही कमाल की चीज़ देख ली है। और उसके बाद जो दोनों फिल्में हॉलीवुड की और बॉलीवुड की आत्मसात करना शुरू की, उसके बाद साउथ इंडियन मूवीज़ यानी तमिल और तेलुगु की हिंदी डब्ड मसाला मूवीज़ की पहुंच हम तक हुई, तब हमको लगा कि यार ये भी तो कुछ कमाल है। उनको भी काफ़ी एंजॉय किया, लेकिन उसके बाद में फिर साउथ इंडियन मूवीज़ पे मीम्स बनाने लगे कि ये सच्चाई से कितनी दूर होती है, कि इसमें कितना बढ़ा चढ़ा के हर एक चीज़ को दिखाते हैं। तो ये हमको पता ही नहीं था कि साउथ इंडिया में सिर्फ यही फिल्में नहीं बनती हैं और बहुत कमाल की फिल्में भी बनती हैं, ख़ास तौर से मलयालम भाषा में। पिछले साल के लॉकडाउन में मैंने दबा के मलयालम फिल्में देखी, जहाँ पर भी मिली, नेटफ्लिक्स पे, प्राइम पे या हॉटस्टार, जहाँ पर भी मिली बहुत सारी मलयालम फिल्में देखी और आश्चर्यचकित रहेगा क्या यार, क्या तो बेहतरीन सिनेमा बनाते हैं ये लोग। मेरी उन लोगों से खैर थोड़ी सी शिकायत भी है कि वो हिंदी डब नहीं करते हैं उसको, इसकी वजह से हम लोगों को समझने में थोड़ी तकलीफ होती है। तो ये रिक्वेस्ट भी है शिकायत के साथ कि कम से कम हिंदी में उसको डब करें, और वो भी नहीं कर सकते तो हिंदी में कम से कम उसके सबटाइटल ज़रूर दें, क्योंकि इंग्लिश में जो सबटाइटल होते हैं उनको प्रोसेस करने में दिमाग को थोड़ी सी मेहनत लगती है और फिल्म का मज़ा उसमें थोड़ा सा किरकिरा हो जाता है। जो हम देख रहे होते हैं वही साथ में पढ़ रहे होते हैं तो अच्छा नहीं लगता। जो चीज़ ज़्यादा अच्छे से जल्दी जल्दी समझ में आ जाए उसमें खैर ज़्यादा मज़ा आता है, नहीं कई बार ऐसा होता है पॉज करके देखना पड़ता है, कई बार क्या बोल गया डायलॉग एक्टर उसको पीछे करके देखना पड़ता है तब समझ में आती है। लेकिन शानदार फिल्में देखी मैंने, और अगर आप भी ऐसा कुछ बढ़िया सिनेमा देखना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि मलयालम की कुरुथी मूवी थी मैंने जो देखी थी, बहुत ज़्यादा पसंद आई मुझको, इससे आप शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने बहुत सारी फिल्में देखी, कई के तो नाम भी नहीं याद हैं, जैसे ट्रांस, होम, जोजी, द ग्रेट इंडियन किचन, इसके जैसी तमाम सारी फिल्में देखी मैंने। और उस पर गूगल पे डालोगे ना बेस्ट मलयालम मूवीज़ तो अपने आप आ जाए। उसके मलयालम के अलावा भी तमिल तेलुगु में भी अच्छी मूवीज़ आपको मिल जाएंगी जो मीम वाली दुनिया से बहुत ज़्यादा दूर हैं, बहुत बेहतरीन हैं। उनकी तो हिंदी में कितनी सारी रीमेक बन रही है, एक कोशी एप्पम करके फिल्म है मलयालम में, उसका भी हिंदी में रीमेक बन रहा है। मलयालम फिल्मों के कई सारे एक्टर्स ऐसे हैं जिनकी कोई भी फिल्म आप उठा के देख लेंगे तो निराश नहीं होंगे, जैसे अपने फैद फाजिल हैं, मोहनलाल हैं, ममूटी हैं, पृथ्वीराज सुकुमार हैं, इन सब की चाहे जो फिल्म देख लें आप, मज़ा आ जाता है एकदम से। मुझे आज मलयालम फिल्मों की बात करने की इसलिए सूझी कि दो चार दिन पहले मैंने एक और वीडियो फिल्म पर ही डाला था, डोंट लुक अप, उस पर मुझे जो प्रतिक्रियाएं मिले, लोगों ने मुझे बहुत थैंक यू कहा कि आपने वो फिल्म के बारे में बताया, देखा हमने, बहुत अच्छी लगी। तो मुझे लगा जब अच्छा सिनेमा लोग पसंद कर रहे हैं तो थोड़ा और फिल्मों के बारे में आप लोगों की जानकारी बढ़ाई जाए, और जितना मैंने देखा है उसके बारे में बताऊँ, थोड़ा आप भी बताएं अपनी तरफ से तो मेरी भी जानकारी बढ़ेगी। और एक बार फिर से मैं जाते जाते कहना चाहूँगा मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से कि आप लोग प्लीज़ हिंदी में अपनी फिल्में डब ज़रूर कीजिए, और डब नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हिंदी सबटाइटल ज़रूर दीजिए, क्योंकि इतना अच्छा सिनेमा आप बना रहे हैं उसकी जितनी ज़्यादा लोगों तक पहुँच हो सकेगी उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा।